तो ये बड़ी खबर दिल्ली में, जहां पर अहम फैसले लिए जा रहे हैं। दिल्ली में बढ़ते हुए कोरोना केसेस को लेके एक तरफ जहां पर शादी समारोह में सिर्फ 50 लोगों को अब अनुमति होगी, वहीं दूसरी तरफ रैंडम सैंपलिंग भी की जा रही है। दिल्ली में बढ़ते हुए कोरोना के मामलों के बाद अब दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर कोरोना के रैंडम टेस्ट कराए जा रहे हैं। किन लोगों को छूट मिली है, किन लोगों को टेस्ट कराना होगा, ये भी आपको जानकारी देंगे। लेकिन बड़ी खबर दिल्ली में लॉकडाउन पर डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया का बयान, दिल्ली सरकार की लॉकडाउन की कोई योजना नहीं है। इसे लेकर लगातार अंदेशा लगाया जा रहा था कि हो सकता है लॉकडाउन फिर से लौटे दिल्ली में, क्योंकि केसेस बढ़ रहे हैं। लेकिन मनीष सिसोदिया ये कह चुके हैं कि लॉकडाउन की कोई योजना नहीं है, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में लॉकडाउन से समाधान नहीं निकलेगा, कोरोना की रोकथाम के लिए मेडिकल मैनेजमेंट जरूरी है। देखिए, दिल्ली सरकार का लॉकडाउन का कोई इरादा नहीं है, और हम ये भी मानते हैं कि लॉकडाउन कोई सॉल्यूशन नहीं है कोरोना से लड़ने में। कोरोना से अगर ठीक से लड़ना है तो सॉल्यूशन है बेटर हॉस्पिटल मैनेजमेंट, अपने हॉस्पिटल्स को ठीक से मैनेज करना, अपने मेडिकल सिस्टम्स को ठीक से मैनेज करना, ये कोरोना से लड़ने में मददगार साबित होता है। और दिल्ली सरकार ने अपने पूरे मेडिकल सिस्टम को बहुत अच्छे से मैनेज किया है और आगे के लिए भी कर रखा है। यू स्टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।